दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं नीर समत खान हिंदवाइज से आपसे मुखातिब हूँ। संसद और विधानसभाओं में अपराधियों के गठजोड़ के मामले में अब इलाहाबाद की जो लखनऊ खंडपीठ है उसने एक फैसला दिया है। अतुल राय जो बसपा के जो सांसद हैं अतुल राय उनके फैसला देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरीके से संसद और अपराधियों का एक गठजोड़ बनता चला जा रहा है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये पब्लिक की जिम्मेवारी है कि ऐसे लोगों को चुनकर ना लाए वो जिनका गठजोड़ इस तरीके से हो। लेकिन क्या करें, बाहुबली सबसे बड़ा ताकतवर होता है। अगर वहीं पर उनके ही टिप्पणी को देखा जाए तो उन्होंने कहा नेताओं और अपराधियों की जो गठजोड़ है इसको हटाने के लिए एक प्रभावी कदम उठाना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो गया है। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है और नेशनल इलेक्शन वॉच की एक अगर रिपोर्ट को देखा जाए तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो राज्यसभा के 226 सदस्यों में से 71 यानी 31% जो सदस्य हैं उनके हलफनामों में उन्होंने ये अपनी आपराधिक जो गतिविधियाँ उनका वर्णन किया है कि वो करना पड़ता है जो कोर्ट में या FIR दर्ज होती है उनको देना पड़ता है। तो आप देखिए कि 41% जो हैं वो आपराधिक श्रेणी में आते हैं और उन्हीं में से अगर देखा जाए 16% जो हैं उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं 16% के। यानी इस तरीके से उन्होंने ये बाकायदा अपने हलफनामों में दिया हुआ है। वहीं दो सदस्यों के ऊपर जो 302 के तहत हत्या के मुकदमे भी हैं और दो के ऊपर महिला उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। इस तरीके से ये लोग जो चुन के आ रहे हैं राज्यसभा में वो इन लोगों की है और बाकी जो उन्होंने दिया है इस तरीके से जो इलेक्शन वॉच है वो देता है। अगर इस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आएंगे तो उनसे हम न्याय की कहाँ तक उम्मीद रखेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट के जज ने ये अपने एक फैसले में ये बात कही कि इस गठजोड़ को तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। आजकल आप जानते हैं बाहुबली पैसे के दम पे, इनमें से अगर देखा जाए तो काफ़ी तो अरबपति हैं करोड़पति हैं जो कि राज्यसभा में आए हैं। इलेक्शन भी वही जीतता है, आजकल धन बल के दम पर ही चुनाव जीते जाते हैं। जिसका जितना बड़ा बाहुबल होता है या जितना जिसके पास धन होता है उसके दम पर ही चुनाव जीते जाते हैं। ये कई बार कोर्ट इस बात को दे चुका है और यही इन लोगों के हलफनामों से भी जाहिर होता है। ये इस साल के हलफनामे हैं, पिछले साल के देखे जाए तो उनमें भी यही चीज़ निकलती है। यानी अब मैं नहीं कह रहा हूँ, एक कोर्ट के ही फैसले हैं कि इस तरीके से अपराधी ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे शरीफ आदमी न्यायिक से चुनाव प्रक्रिया से दूर होता चला जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि इन इसमें पड़े जिस तरीके से होता जा रहा है। क्योंकि अब शरीफ आदमी चुनाव से डरता है, चुनाव में आने से डरता है, ये बिल्कुल खुली हुई बात है। आप देखिए कि चुनाव जब होते हैं तो कितनी उसमें वायलेंस होता है, कितने कोर्ट केस दर्ज होते हैं और ये बात साबित करती है जो इलेक्शन वॉच ने आपकी रिपोर्ट्स में दिया है कि कितने परसेंट, आप ताज्जुब करेंगे 31% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने हलफनामों में ही ये दर्ज किया है कि हाँ उनके ऊपर आपराधिक चल रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर तो 302 के मुकदमे चल रहे हैं, यानी हत्या के मुकदमे चल रहे हैं, महिला उत्पीड़न के मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर, ऐसे लोग भी हैं। अब ये लोग जब आएंगे हमारे अपर हाउसेज में तो क्या फैसले होंगे वो आप भी जानते हैं। इसको रिफॉर्म की ज़रूरत है, जो हमारे कोर्ट कचहरी हरदम कहते रहे हैं कि इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन रिफॉर्म कैसे होगा इसका किसी को पता नहीं है। अभी तक ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं बनाया, किसी पार्टी ने फार्मूला नहीं बनाया है कि जिससे रिफॉर्म हो सके।
हाँ बस धीरे 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 ऐसा है कि आपराधिक लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। आगे क्या होगा ये बड़ी डरावनी स्थिति है। इसका कोर्ट ने इलाहाबाद की जो लखनऊ खंडपीठ है उसने इस बात को इंगित किया है, इस बात के लिए ये सोचने वाली बात है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।